हम जो 3 घंटे भगवान की कथा सुनते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के लिए पहला द्वार है। कोई कहे मुझे भगवान का भक्त बनना है तो मैं क्या करूं, तो उसको ऐसा नहीं कहते कि आप पहले मंदिर में जाओ, पूजा करने लगो, मंत्र जाप, नहीं, पहले कथा सुनाओ। कथा सुनने के बाद आपका चित, आपका मन परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएगा, बाद में भक्ति का प्रारंभ होगा। जहाँ तक हमारा चित्त, जहाँ तक हमारा मन, हमारे विचार भगवान को समर्पित नहीं किया है, वहाँ से भक्ति का प्रारंभ कैसे हो सकता है? हम लोग भक्ति किसको मानते हैं? तिलक कर लिया वो तो यूनिफॉर्म है, भक्ति मार्ग में सहायक है, माला पहन ली वो भक्ति हो गई? नहीं नहीं, वो तो यूनिफॉर्म हमारा है। भक्ति किसको कहते हैं? हमारा संपूर्ण चित, मन, सब कुछ परमात्मा को हम अर्पण कर देते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में भगवान तक पहुंचने के भक्ति के 9 अंग हैं, नवांग भक्ति कहते हैं।